नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। निर्माणाधीन मकान गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। वाराणसी में भेलुपुर थाना क्षेत्र के छिप्पी टोला में रात्रि लगभग 2:30 बजे अब्दुल रहीम का निर्माणाधीन मकान गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें नंदिनी 11 वर्ष पुत्री राजकुमार कन्नौजिया के सिर से 30 टाके लगे। वह अशोक कन्नौजिया तथा उसकी पत्नी पूनम कन्नौजिया को भी चोटें आई। इस दौरान कैंट के विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी रिजवान अहमद ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल बीएचयू से ट्रामा सेंटर ले गए। वह इलाज के उपरांत पूरा खर्च 17,000 रुपए की सहायता की। वहां उपस्थित पत्रकारों को घटना के बारे में पूरी जानकारी दिए भाजपा नेता व पार्षद अशोक मिश्रा। जी अपना परिचय बताएं। मैं अशोक मिश्रा, पार्षद। ये आज किस तरह घटना हुआ है, कैसे मकान गिरा है? ये लज्जा भवन था, इसको भवन मालिक काफी दिनों से बना रहा था और गलत तरीके से बना रहा था। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया था, उसके बावजूद कहें कि नहीं कोई घटना नहीं हुई। ये निर्माण हो रहा था और 200 गंगा से 200 मीटर के अंदर है, जबकि इसके लिए दुनिया भर का प्रोपोगंडा पूरे शहर में चल रहा है, निर्माण नहीं होगा। ये भवन कैसे निर्माण हो रहा था कि वीडियो को पता नहीं था। साथ ही पत्रकारों से वार्ता किए पीड़ित परिवार के सदस्य राजकुमार कन्नौजिया। इसके बाद जो है इधर हाथ में है, मना करने के बावजूद भी नहीं होगा, बोले जो होगा हम देख रहे हैं, कुछ होगा नहीं। पर दो बजे जो है मेरे मकान गिर गए, मेरे कारण मेरा मकान चला गया। एक पड़ोस में अशोक का मकान चला गया। 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ संपन्न। वाराणसी में बीएचयू के कृषि विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव के अध्यक्षता में 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 12 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य बीज उत्पादन से जुड़ी मौलिक जानकारी देना। मुख्य अतिथि प्रोफेसर जेपी पाल रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन भी किया। या सीखते नहीं तो हम इसमें जो है इनको प्रदर्शन करेंगे। किसान जब हमारे बीज उत्पादन कर रहे हैं, हम ऐसे जाएंगे जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यहाँ पे हमारे NSRTC बनारस में है। प्रतापगढ़ कन्हई थाना में जनपद में उड़ाई जा रही है आचार संहिता की धज्जियां। चौकंडा से लेकर रखा बाजार तक होर्डिंग वाले पेंटिंग और पोस्टर से भरा पड़ा है। इलाका चुनाव आयोग ने 24 घंटे के भीतर जनपद में होर्डिंग हटवाकर आचार संहिता का पालन करने का जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया। जयपुर में बस्सी मानघर खेरी पंचायत में बिलवा खुद गाँव में लगी आग। बिलवा खुद में शिमला की ढाड़ी में कच्चे घर में लगी आग से 8,000 की नकदी वो घरेलू सामान जलकर हुए राख। साथ ही आग से झुलस कर 3 बकरियां व बकरी के बच्चे की मौत हो गई। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण यादव को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। बलिया सिकंदरपुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण यादव को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आप देख रहे थे फास्ट न्यूज इंडिया।